स्त्री की सोच। जब रमा का विवाह एक प्रतिष्ठित और संपन्न परिवार में तय हुआ, तब मन में अजीब सी कश्मकश थी कि मेरी उम्र तो छोटी है, इतना बड़ा संयुक्त परिवार है, मैं कैसे सामंजस्य बिठा पाऊंगी। अभी तो किसी भी कार्य में दक्षता भी नहीं है। पारिवारिक रिश्ते नाते रीति रिवाजों की पर्याप्त समझ आने में तो बहुत समय लगेगा। उसके मन में भी बड़ी उलझन थी, पर विवाह उपरांत जब घर में गई तो सारी स्त्रियां केवल स्त्रियां ही थी। वे धौंस, रौब और अकड़ से परे थी। उन्होंने रमा से कहा कि सारे रिश्ते बाद में आते हैं, हम सब सबसे पहले स्त्री हैं, तुम्हारी सास, जेठानी और ननद बाद में। तुम सबसे पहले इस घर में सहज हो जाओ। यहाँ पर कोई भी तुम्हें किसी तराजू में तोलने वाला नहीं है। वह अपनी हर छोटी से छोटी समस्या परिवार में रहने वाली स्त्रियों को बताती और सभी मिलजुल कर उस समस्या का समाधान करते। वहाँ पर सभी का सबसे बड़ा गुण माफ करना था, पुरानी बातों को छोड़कर कुछ नया सोचना था। सभी अपने कार्यों में व्यस्त रहते थे। रमा अपनी माँ से कहती है, मेरे ससुराल में सुंदरता, गुणों और अवगुणों को तोलने के लिए कोई तराजू नहीं है। सास अपनी पुरानी कहानियाँ नहीं सुनाती कि मेरे जमाने में ऐसा होता था, मैंने यह किया था या मैंने वह किया था। जेठानी अपनी श्रेष्ठता सिद्ध नहीं करती कि मैंने इस घर को संभालने में इतने वर्ष झोंक दिए। ननद हर समय मान सम्मान की दुहाई नहीं देती। हर कोई मुझे सहज महसूस कराने में लगा रहता है। माँ, यदि हर परिवार में ऐसी ही परंपरा स्थापित हो जाए तो हर लड़की अपने परिवार को आसानी से अपना लेगी। माँ, वहाँ की एक और विशेषता है कि वहाँ पर दोषों पर चर्चा करना स्वीकार नहीं है। दोषों पर ध्यान केंद्रित करने से उन्नति रुक सकती है, पर समाधान और चिंतन करने से हमारी दृष्टि विकसित होती है। वहाँ पर अपनी गलती को स्वीकार करके हल्का महसूस करने पर भी बल दिया जाता है। माँ, मैं भी अब अपने ससुराल के सहयोग के साथ आगे बढ़ना चाहती हूँ। अपनी सोच को उदार बनाना चाहती हूँ। माँ, रमा के वाक्य सुनकर मन ही मन उस परिवार के प्रति धन्यवाद और मन से दुआएं दे रही थी, जिस परिवार ने उसकी बेटी की जिंदगी आसान कर दी। कभी कभी दुआएं भी बरकत पैदा करने में सहयोगी होती है। शायद रमा के ससुराल की भी यही खासियत थी। रमा की माँ मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दे रही थी कि बेटी की सोच और परिवार की सोच में कितना अच्छा तालमेल दिखाई दे रहा है। भविष्य में मेरा होना
या ना होना मेरी बच्ची की खुशहाली के लिए ज़रूरी नहीं होगा। वह आगे की यात्रा अपनी सकारात्मक सोच और पारिवारिक सहयोग से तय कर लेगी। इस लघु कथा से यह शिक्षा मिलती है कि यदि परिवार में स्त्री अपनी सोच विस्तृत कर ले तो समाज में बड़ा बदलाव हो सकता है और मानवीयता के मस्तिष्क से कलंक का बोझ हमेशा के लिए हट सकता है। रमा के परिवार वालों की अच्छी सोच की वजह से वह खुशहाली की ओर बढ़ रही है। सारे रिश्तों से सर्वोपरि स्त्री बनने का रिश्ता है। हमेशा पुराने संघर्ष या कठिनाइयों को जताकर भावी पीढ़ी को अपनी श्रेष्ठता बताने का प्रयास ना करें, बल्कि उन्हें सहज बनाकर अपने परिवार में शामिल करें।